नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आगे क्या करना है, बड़ा उलझ जाते हैं, ऐसा लगता है कि आगे सब लॉक है, कैसे बढ़ें, कोई सजेशन वाला नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है। और उस सिचुएशन को ऑनेस्टली बताऊं तो बस आदमी खुद समझ सकता है। और इस खुद समझने वाली बात से मैं आपको आज एक मंत्र देने वाला हूं कि आपके पास जब भी ऐसी समस्याएं आएं, जब आगे का रास्ता ना समझ में आए, तो मुझे लगता है कि उसका सलूशन भी बस आपके पास होता है, बस उसको जगाना होता है। जैसे हनुमान जी की शक्तियों को जगाया गया था और फिर वो समंदर लांग गए, तो बस उसी तरीके से आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका एडमिशन विश्वविद्यालय में नहीं हुआ, इलाहाबाद में नहीं हुआ, BHU में नहीं हुआ, JNU में नहीं हुआ, DU में नहीं हुआ, JMI में नहीं हुआ, और आप एकदम डरे हो, बार बार उन बच्चों के वीडियोज आ रहे हैं जो सफल हो गए हैं, जो असफल हो गए हैं उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो फाइनली आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन कहीं नहीं हुआ है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं हमेशा से ऐसे वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि सही मायने में इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मोराल का, सपोर्ट का, और एक सही गाइडेंस, सजेशन और प्रॉपर नॉलेज का। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं आपको एक फिलोसफिकल थॉट, एक फिलोसफिकल व्यू से मिलाने वाला हूं और आप खुद बैठ के इन सब चीज़ों को जज कर पाओगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये वर्षों से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और हर एक सिचुएशन को ये हैंडल करते हैं, और मैं आके घंटों से यहाँ बैठा हूँ लेकिन इन्होंने अभी तक एक बार भी बोला नहीं है। और ये हैं अज्ञात, और ये अज्ञात के ऊपर एक छत्र छाया है। पता है क्या हुआ है आप लोग के साथ? आप लोग को बस यही छत्र छाया नहीं मिला है, ये जो छत्र छाया है बस यही आपको नहीं मिला है, लेकिन आज भी आप और आपके पास ये है। मेरी बात समझ रहे हो? छत्र छाया नहीं मिला है आपको, विश्वविद्यालय नहीं मिला, लेकिन आपके पास आप और आपका जो स्टडी मटेरियल है, आपका जो एम है, वो आज भी आपके पास है। 3-4-5 पॉइंट जो है मैं आपको समझाऊंगा और प्लीज आप ध्यान से सुनो। और ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आपको सलूशन नहीं मिला तो आप कमेंट में जो चाहे बोल के चले जाना। सबसे पहले आप लोग एकदम रेस्ट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे, 48 घंटे, 64 घंटे, एक हफ्ते तक का इंतजार करो, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ बस 2-3 चीजें करते रहो, अपने फैमिली से बातचीत और टाइम से भोजन, टाइम से सोना, स्टडी की बात मत करो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जिसका सिचुएशन बहुत ज्यादा हार्ड है, उसके बाद की प्लानिंग बता रहा हूं मैं क्या करना है। बैठना आराम से, जैसे ये बैठा है, ये स्टैचू आपकी होनी चाहिए। एक्चुअली ये है आपका एजुकेशनल फिलोसफिकल स्टैचू व्यू। अगर आपने इस पोजीशन को आने वाले 4 महीनों के लिए फॉलो कर लिया, आपका अगर एडमिशन नहीं होता है मनचाहे विश्वविद्यालय में, तो आज मुझे बताना। मैं विश्वविद्यालय का वो छात्र हूं जो एकदम नेचुरल स्टार्टिंग से एक मुश्किल से 12x8 के कमरे में अपनी पढ़ाई शुरू किया। मैं बचपन से घर से बाहर रहा हूँ, बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हूँ, हॉस्टल में रहा हूँ, घर से दूर रहा हूँ, हर एक सिचुएशन को मैंने झेला है, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, कई सारे एग्जाम में असफलताएं मिली हैं, लेकिन आज भी मेरा कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशनल जो मेरे खुद के अंदर है वो हमेशा कायम है। मुझे पता है आई कैन डू एक्चुअली। आपका मोटिवेशन आपके पास है, किसी वीडियो में नहीं है, किसी पर्सन के पास नहीं है, आपका मोटिवेशन आपके पास है। यू हैव टू डिसाइड आगे क्या करना है, अपनी गलतियों से सीखो, लिस्ट आउट करो। और मैं तो कहता हूँ कि कई बार आप गलती नहीं भी करते तो सजा मिलती है, जैसा आपने देखा होगा, जैसे कि CUET ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, इसमें आपकी गलती नहीं भी थी। तो देखिए, अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, दिमाग में उसे आसानी से बैठाओ। आपको ये डिसाइड करना है कि आगे फिर से तैयारी करनी है कि नहीं, क्योंकि आप लोग के पास
अभी ज़्यादा समय है नहीं, जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनका क्लास ऑलरेडी बहुत लेट है। अगर आप लोग सही से प्रिपरेशन करोगे तो उनसे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहोगे, ध्यान देना। आपके पास आराम से 5 से 6 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए, 5 मंथ है, फिर से लग जाओ, सिलेबस को अच्छे से देखो और उसकी प्रिपरेशन चालू कर दो। स्टडी मटेरियल ऑन टेस्ट सीरीज के लिए बेचू पार्ट साला ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेलिंग है, आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और जो आसपास किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं वो लोग उसके लिए प्रॉपर वे में सोचो, घर में बात करो। बाकी गाइडेंस के लिए जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर कैरियर काउंसलिंग कराइए, कोई उसमें दो राय नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। सो प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ कीप ए स्माइल, ध्यान देना, सब कुछ आपके हाथ में, खुश रहिए।